आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर रहे हो बिकॉज ऐस बट एट द सेम टाइम ये जो बैच है ना इसके अंदर आई एन श्योर यू डेट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट की रिविजन करोगे एंड एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू यू विल लर्न मैनी न्यू कॉन्सेप्ट जो कि शायद आपने पहले ना पढ़े हों और बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो पूछे भी जा चुके हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स पूछे गए थे डिसम्बर सॉरी जून 2023 के एग्जाम में मार्च 2023 के एग्जाम में टू uh, 2022 के एग्जाम में जो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स थे है ना हमारे सिलेबस के दायरे से भी बाहर थे तो हम उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे रिसेंटली uh, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो सारे के सारे 2023 राइट right? <coughs> दो पेपर हुए ना अभी तक मार्च और जून सो so, ये <coughs> क्वेश्चन जो हैं पेन को क्या हो गया चलो तो मार्च और जून 2023 एंड 2022 के जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो भी नए कॉन्सेप्ट पूछे गए ये सब हम पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन को भी मार्क हम करेंगे और देखेंगे क्या टेक्निक है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद टीचर एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हमेशा पूछे जाने वाले और स्टूडेंट्स आपको मैं ये भी बता दूं सार्थक बैच का सबसे इम्पोर्टेंट जो हम uh, uh, मानते हैं और हमने जो डिजाइन किया है स्ट्रक्चर वो ये है कि इसके अंदर आप concepts तो प्रीवियस ईयर के साथ कर ही रहे हो राइट right? कॉन्सेप्ट्स के रिविजन तो आप कर रहे हो क्रैश कोर्स के साथ साथ एट द सेम टाइम हम आपको प्रॉपर एनोटेटेड एनोटेटेड पी भी प्रोवाइड करते हैं हमारी ऐप के ऊपर सो आई एम श्योर आपने एनरोल कर लिया होगा तो चलिए लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन सो अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बींग एस्टैब्लिश्ड ठीक है ये एजुकेशनल बॉडीज हैं जिनके ऊपर ये क्रोनोलॉजी का मैंने प्रिडिक्ट किया था कि क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम से एक दिन पहले और ये क्वेश्चन आया था एनसीटीई एन सी आर टी यूजीसी बी एच यू नियपा इनको आपने क्रोनोलॉजिकली लगाना है यानी कि जब से ये यूनो you फॉर्म know, हुए थे कौन सी एजुकेशनल बॉडी पहले फॉर्म हुई और कौन सी लेटेस्ट उस सीक्वेंस में जो है आप लगाओगे ये है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दिस इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओके तो ये तो आप जानते ही हो इसके बारे में तो आप कुछ भी भूल नहीं सकते हो ठीक है और भूलना भी मत क्योंकि मैं कहती हूँ कि हम एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए है ना हम एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एनसीटी है वो क्या है एक एपेक्स बॉडी है इट इज बॉडी हमारे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब इंडिया में जो सबसे टॉप की बॉडी है वो है एनसीटीई फटाफट से मैं आपको इसके बारे में बता देती हूं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ठीक है ये जो है ना ये 1973 में बनी 1973 में ये बनी एडवाइजरी बॉडी एडवाइजरी बॉडी क्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो क्या करेगी वो उनको एडवाइस करेगी कि भाई आ, हम लोगों को ये लगता है टीचर एजुकेशन में ऐड कर लो चीजें ऐसे मॉनिटर कर लो ऐसे रेगुलेट कर लो मतलब इट ऑलवेज हैज टू डिपेंड अपॉन सम अदर गवर्नमेंट और यू कैन से सम अदर बॉडी टू गेट इट्स थिंग्स डन तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1973 में तो हुई बनी लेकिन ये 1995 के अंदर आप लिख लीजिए प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है नए स्टूडेंट स्पेशली आप पुरानों की तो रिविजन हो रही है 1973 में ये बन गई स्टैचुएटरी बॉडी ठीक है ये स्टैचुएटरी बॉडी बन गई और इसका जो एक्ट है आपको पता है स्टैचुएटरी बॉडी जो होती है वो क्या होती है वो एक एक्ट के तले बनती है है ना एक्ट के तहत बनती है और जो एनसीटी का जो एक्ट है एनसीटी एक्ट जो है आप लिख लो अपने नोट्स में में ये एक्ट आया था 1993 में। और प्लीज ये सभी चीजें स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट स्पेशली लिख लो पुरानों की रिवीजन हो जाएगी तो एनसीटी एक्ट क्यों आया था एनसीटी को स्टेचुएटरी बॉडी क्यों बनाया गया था क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने ये रेकमेंड किया था उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि बिकॉज एन के पास कोई पावर नहीं है वो क्या कर रहे हैं वो कुछ अच्छा करके नहीं दिखा पा रहे उनको दूसरी बॉडीज के ऊपर डिपेंड करना करना पड़ता है कोई भी चीज टीचर एजुकेशन के अंदर कोई चेंज लाना है एक्सेट्रा एटसेट्रा एक एक तो आप जो है इसको स्टैचुटरी बॉडी जो है वो बना दो तो अब आपने नई चीजें सीखी क्या एडवाइजरी स्टेटस नंबर वन ठीक है उसके बाद आपने ये देखा कि 93 के अंदर यह बनी इसका जो एक्ट आया 1995 के अंदर यह स्टेचुएटरी बॉडी बनी किसकी रिकमेंडेशन पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की रिकमेंडेशन के ऊपर ये जो यू नो स्टेचुएटरी बॉडी जो है वो बनी तो अब मैं एनसीटी के आगे क्या लिखू नाइन सेवन लिखूं तो चलो कोई बात नहीं हम इसको ना मानते हैं ठीक है अब आगे चलते आर टी जिस तरह एपेक्स बॉडी -E, है किसकी ये है टीचर एजुकेशन की उसी प्रकार से एनसीआरटी जो है वो भी एपेक्स बॉडी है लेकिन किसकी एपेक्स बॉडी है हमारे देश के अंदर जो स्कूल की शिक्षा है यानी कि स्कूल एजुकेशन उससे रिलेटेड जो भी डिसीशंस लेने होते हैं जो भी मॉनिटरिंग करनी होती है रेगुलेशन करनी होती है कौन से टेक्स्ट बुक्स यूज करने हैं कौन से नहीं करने हैं ये सब एनसीआर जो है मॉनिटर रेगुलेट, कोऑर्डिनेट जो है वो करती है स्कूल एजुकेशन को एनसीआर का फंक्शन होता है कि वो क्या बनाए एन सी क्या होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एक ऐसा करिकुलम फ्रेमवर्क जो पूरे के पूरे आ, देश के अंदर सभी स्कूलों के अंदर लागू जो है वो होगा ठीक है एनसीईआरटी की जो स्थापना है वो कब हुई 1961 में अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये एपेक्स बॉडी टीचर एजुकेशन ये एपेक्स बॉडी स्कूल एजुकेशन तो हमारी जो यूजीसी है ये किसकी एपेक्स बॉडी होगी ये यूजीसी एपेक्स बॉडी होगी हायर एजुकेशन की हमारे देश में हायर एजुकेशन की जो एपेक्स बॉडी है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अब इसकी भी अपनी कहानी है इसकी कहानी यह है कि नाइनटीन फिफ्टी थ्री में नाइनटीन फिफ्टी थ्री में ना इसको फॉर्मली इनाग्रेट किया गया था फॉर्मली इनग्रेट किया गया और किसने इनागरेट किया मौलाना अबुल कला कलाम ने ठीक है इनागरेट किया गया लेकिन ये 1956 में स्टैचुएट्री बॉडी बनी ठीक है 1953 फॉर्मली इनग्रेटेड लेकिन 1956 के अंदर ये बनी स्टैचुएटरी बॉडी तो चलो अब हम स्टैचुएटरी स्टेटस से चलते हैं अब ये बी क्या है बी यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इंडिया कि वन ऑफ दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्यूमेंट जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो बी एच यू की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 में इसको एक बार फिर से चेक कर लूंगी मैं बट नाइनटीन सिक्सटी सिक्सटीन में हुई थी और अब ये नियपा क्या है स्टूडेंट्स नियपा क्या है नियपा यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसकी भी अपनी कहानी है ठीक है और ये कहानियां मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी पूछा जा सकता है तो अब नियपा की क्या कहानी है नियपा की कहानी ये है कि ये 1962 में एक्चुअली में फॉर्मुलेशन में आ गया था और ये किसकी मदद से फॉर्मुलेशन में आया था यूनेस्को ठीक है लेकिन इसकी कहानी जो है यहाँ पे खत्म नहीं होती 1962 में इसकी फॉर्मूलेशन तो हो गई यूनेस्को के थ्रू 1965 में चार सालों के बाद एक्चुअली में चार सालों के बाद इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचआरडी उस टाइम पे कहलाया जाता था ये डायरेक्टली एमएचआरडी के अंडर जो है वो आ गया था एमएचआरडी के अंदर ठीक है उस अभी हम ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलेंगे 1995 के अंदर 4 4 सालों के बाद तो आ, 1965 में इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है उसके बाद ये चेंज हुआ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ले लिया था मिनिस्ट्री ने ले लिया था तो इसका नाम स्टाफ कॉलेज स्टाफ कॉलेज यू कैन राइट इट डाउन स्टाफ कॉलेज ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड रिसर्च जो है वो uh, स्टाफ कॉलेज ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो नाम है वो लिया गया और फाइनली इसका जो नाम इस्टेब्लिश किया गया 1969 के आसपास वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो हम कौन से ईयर्स मान के चलेंगे इसको आप मान के चलो 1962 बीएचयू 1916 यूजीसी मान के चलो 1956 एनसीईआरटी 1961 और एनसीटी को मान लो तुम 1995 ठीक है क्योंकि ये इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1962 की इसलिए हम मानेंगे और ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है तो चलिए लगाते हैं बीएचयू एच यू कहाँ पे है सबसे पहले ऑप्शन ए ए उसके बाद 1916 के बाद कौन सी हमारे पास आ रही है 1956 यानी कि देखो सी कहां पे लगा हुआ है ये उसके बाद ये कह रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइनटीन सिक्सटी वन ठीक है नियपा नाइनटीन और लेटेस्ट में आ गई एनसीआरटी ठीक है स्टूडेंट्स आई होप यू गॉट दिस ठीक है ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं ये आप सबके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन है चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थ्योरी ऑफ इज हाबरमास वे टू एक्सप्लोर नॉलेज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंगेजमेंट तो स्टूडेंट्स जब हम नॉलेज बेस के बारे में बात करते हैं नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन सो नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन के अंदर जो तीन मेन प्रपोनेंट हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। यू कैन राइट इट डाउन वो है शूलमैन। क्वेश्चन से एक्स्ट्रा हम काम कर रहे हैं दूसरे जो है वो है डेंग एंड लूक उसके बाद जो है आते हैं हमारे हबरमैस जिनके ऊपर ये क्वेश्चन है ठीक है अब कुछ कीवर्ड्स में आपको जो है वो देती हूं आपको क्या याद करना है शूलमैन के ना जो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में कीवर्ड्स अगर दूं तो शूलमैन के साथ लगा लो तुम पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज साथ ही में इन्होंने जो है सेवन और कंपोनेंट्स दिए थे लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के ऊपर डेंगन ल्यूक ने जो नॉलेज बेस का जो कांसेप्ट दिया था ठीक है उसके अंदर आता है आपका वर्क प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल नॉलेज ठीक है इसको इनफैक्ट आप डिसिप्लिनरी भी कहते हो डीपीई डिसिप्लिनरी ये डिसिप्लिनरी इनफैक्ट ज्यादा अच्छा रहेगा आप इसको डिसिप्लिनरी के नाम से कर सकते हो अब हैबर का अगर आपको बिल्कुल ही सटीक कीवर्ड या एक्रोनिम याद रखना है वो याद रखना पड़ेगा टेक्निकल प्रैक्टिकल ई यहां पे ई जो है वो क्या है एक्सपीरियंशियल है ठीक है यहां का जो ई है वो क्या है इमानसीपेटरी ठीक है ये प्लीज याद कर लो क्वेश्चन जाते हैं अब इनमें से की दो थ्यूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनका नॉलेज बेस है क्या टेक्निकल जिसको अगेन आप वर्क भी बोलते हो ठीक बोल है कभी कभी एनसीटी इसको भी वर्क बोल देती है कभी कभी यहां पे डिसिप्लिनरी जो डेंगे लुक का है उसको भी ये लोग जो है वो मेंशन कर देते हैं ठीक है थीके? नाउ के ऊपर आते हैं जो इनकी थ्यूरीज जो है जो इन्होंने टेक्निकल प्रैक्टिकल इमानसिपेट्री जो दी उसको आप नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्यूरी के अंदर जो है वो काउंट करते हो ये क्या कहते थे कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के साथ अगर आप उसे नॉलेज देते हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर अच्छा एक्सपैंड जो है वो करता है ठीक है इसको मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट स्लाइड में साथ ही मैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन तो सबसे पहले स्टूडेंट्स विच थ्योरी

और इसके साथ मैच क्या करेगा इंटरेस्ट स्टूडेंट इंगेजमेंट की बात जो है वो की जा रही है लेकिन हमें ये भी समझना है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन जो है वो क्या हैबरमैस जो है उससे बोलना चाहते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में हैबरमैस ये बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर वैन इट कम्स टू टीचर स्टूडेंट्स और वैन इट कम्स टू स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन और इट कम्स टू सोसाइटल इंट्रेक्शंस पीपल जनरली टेन टू यूज सॉफ्टर लैंग्वेज दे ट्राई टू यूज लैंग्वेज विच इज़ इजीली एंटर ऑपरेटेड बाई द अदर पर्सन एंड दे डू नॉट गेट ऑफेंडेड बाईट तो इस पूरे के पूरे अगर मैं आपको बताऊँ कि इसका जो निचोड़ है वो मैंने आपको बता दिया है थ्यूरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन का तो यहाँ पे जो सूट कर रहा है आंसर क्रिटिकल जो थ्यूरी है वो किसने दी है क्रिटिकल थ्योरी गिवन बाय फ्रायर एंड नॉलेज थ्यूरी इंटरेस्ट थ्योरी जो है वो इसके साथ आंसर जाएगा तो ये चार्ट आपके लिए मैंने लगाया है आप देख सकते हो टेक्निकल जिसको कि ये वर्क नॉलेज भी जो है वो बोलते हैं प्रैक्टिकल इमेंसिपेट्री ये क्या कहते हैं टेक्निकल नॉलेज कौन सी है जो कॉजल एक्सप्लेनेशन देती है प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देती है ठीक है और इमेंसीपेपेट्री थिंकिंग क्या है जो आपके अंदर फ्रीडम आपको फ्रीडम देती है फ्रीडम ऑफ थॉट और वो फ्रीडम ऑफ थॉट कब आएगा जब आप खुद की क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो कर पाओगे जब आप खुद अपने थॉट प्रोसेस से सोशल फिनोमिना या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हो यार यू नो योर ओन व्यूज राइट एंड दीज आर द मीडियम्स वर्क के थ्रू लैंग्वेज के थ्रू पावर के थ्रू और कौन से साइंसेज या सब्जेक्ट्स में लगते हैं टेक्निकल है तो इंपेरिकल एनालिटिकल होगा हर्म्यूनेटिक होगा प्रैक्टिकल ठीक है लैंग्वेज बेस्ड होता है जैसे कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया और पावर इमानसिपेटरी गिव्स यू द पावर ऑफ थॉट एंड इट अप्लाइज मोस्टली टू क्रिटिकल सोशल साइंसेज आई होप आपको अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट रिवाइज करके और क्वेश्चन करके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चूज द करेक्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नेशनलर्क क्या है जो एनसीआर करती है और क्यों फॉर्म करती है ताकि पूरे के पूरे इंडिया के जो स्कूल हैं वहां पर एक रेग्युलर यू नो करिकुलम जो फ्रेमवर्क है उनको दिया जाए और पूरे देश के अंदर जो है उसी से कोर्डिनेटेड एजुकेशन ओवरऑल प्रोवाइड की जाए फॉर इक्वेल इक्वालिटी राइट तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूं सबसे पहले ये आया था 1975 में। उसके बाद आया था ये 1988 में ठीक है देश की आजादी के बाद ये पहला था उसके बाद 88 में आया उसके बाद 2000 में आया और उसके बाद एनसीएफ 2005 आया अब आपको और चीजें जो है वो याद करनी है वो चीजें याद करनी है कि कि ये जो वाला ये 1988 वाला 1975 वाला 2000 वाला ये जितने भी करिकुलम फ्रेमवर्क्स थे ये कौन सी अप्रोच के ऊपर बेस्ड थे ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड थे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि हमें स्टूडेंट के बिहेवियर के अंदर चेंज लाना है ठीक है ऑल राइट और लेकिन ये जो 2005 में करिकुलम फ्रेमवर्क आया था ये थोड़ा बेटर था ये लोग बिलीव कर रहे थे करिकुलम इस तरह फ्रेम किया गया था 1975 88 वाला कि हम जो है स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो कंडीशनिंग लाके उनके बिहेवियरल चेंजेस जो है वो कर पाएंगे लेकिन 2005 में एक स्टेप अहेड लिया गया और बोला गया कि नहीं हमें क्या करना है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म के ऊपर करिकुलम को जो है वो फ्रेम करना है ठीक है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है विच इज क्वाइट ऑपोजिट टू बिहेवियरिज्म यानी कि हमें स्टूडेंट्स को जो है रियल एक्सपीरियंसेस देने हैं ऐसा नहीं है कि यू नो आर लाइक एनिमल्स कि आप उनकी कंडीशनिंग कर रहे हो गिव देम फ्रीडम लेट देम थिंक अबाउट देयर नॉलेज लेट देम कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज गिव देम द स्कोप ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर गिव देम द स्कोप ऑफ यू नो गेटिंग इन टू डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज एंड कंस्ट्रक्टिंग देअर ओन नॉलेज विथ अटोनमी एंड विथ डाइनमिज्म ठीक है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा देखो 75 का लिखा है यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे भी लिखा है बी अब ये कह रहा है डी या सी तो 2000 में आया था 87 में नहीं आया था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ई यानी 2005 ये अब इसके साथ में आपको एक और चीज बता देती हूं वो ये कि अभी लेटेस्ट ही एन सी एफ एस सी आया है ठीक है एन सी एफ एस सी आया दो हजार तेईस में जिसके ऊपर स्टूडेंट्स में पहले ही बता रही हूं क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं बहुत चांसेस हैं इसको तुम बेशक लिख लो आई एम राइटिंग इट डाउन हाई चांसेस चांसेस ऑफ कमिंग इन दमिंग एग्जाम इन अब एनसीएफ का नाम एनसीएफ सी एस ई रखा जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन क्यों क्योंकि जैसे नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन होता है है ना एनसीटी क्या बनाती है कि टीचर एजुकेशन में किस प्रकार का करिकुलम फॉलो करेंगे उसे एनसीएफ टी बोलते हैं ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पे सिंपल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते थे तो नई शिक्षा नीति ने बोला कि नहीं इसको पूरा नाम दीजिए वह एनसीएफएससी जो कि दो हजार तेईस में आ चुका है तो स्टूडेंट्स इन्होंने क्या पूछा कि आप बताइए क्या इनकी क्रोनोलॉजी है इसके बाद वाले पेपर में यह पूछा गया था कि बताइए अभी तक कितने नेशनल फ्रेमवर्क आ चुके हैं तो स्टूडेंट्स बड़े मजे से कहते थे चार अगर ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया तो आप बोलोगे five. कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद कितने कारिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके हैं पांच नाइनटीन सेवेंटी 2000, 2005 एट टू थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव एंड टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी ये लिखा है ना यहां पे, मैंने NCFSC टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हैज ऑल्सो कम अप एज द न्यू नेशनल School फॉर स्कूल एजुकेशन फॉर्म on the ऑन principles द on ऑन on ऑन principles NEP ऑफ एन ट्वेंटी ट्वेंटी नई शिक्षा नीति पे जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसके बेसिस के ऊपर जो है इसको फॉर्म किया गया है एस आई टोल्ड यू आई विल बी गिविंग यू मोर न्यू कॉन्सेप्ट तो मेन फोकस एरिया एनसीएफएससी 2023 का क्या है क्योंकि मैंने आपको अभी रिटर्न में दिया है कि बहुत हाई चांसेस है इसके आने वाले क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने के दिसंबर के एग्जाम में तो मेन फोकस एरिया है होलिस्टिक लर्निंग लर्नर सेंट्रिक अप्रोच एक्सपीरियंशियल लर्निंग डिजिटल इंटीग्रेट इंटीग्रेशन लाना एजुकेशन के अंदर टीचर इंपावरमेंट असेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से स्टूडेंट की असेसमेंट हुआ करेगी एग्जामिनेशन फॉर्मेटिव समेटिव ये सब डॉक्यूमेंट के अंदर यू uh, नो you know, बताया गया है इसके ऊपर तो मैंने एक सेशन भी किया था एथिकल और मॉरल वैल्यूज कैसे आप इंटीग्रेट करोगे करिकुलम के थ्रू लोकल कॉन्टेक्ट सेंसिटिविटी जिस डेमोग्राफी में आप रहते हो उससे आपको नॉलेज जो है वो रिलेट करनी है उसके सोशल कॉन्टेक्चुअल वे में आपको जो है चीजों को अंडरस्टैंड करना है और कम्युनिटी इंगेजमेंट यानी सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड और आपको कम्युनिटी बेटरमेंट के लिए काम करना है तो ये ये मेन फोकस एरिया हैं स्टूडेंट्स ध्यान रखना क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू ये ट्रेनिंग टाइप्स हैं यानी टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं और बताया गया है कि ये इनके ऑब्जेक्टिव हैं चलिए मैच करिए तो आप मैच करो प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग क्या होती है जब आप क्या करते हो बी एड कर रहे होते हो है ना बी एड करते हो या आजकल आप बीए बीएड कर रहे हो राइट बी ए बी एड कर रहे हो ठीक है तो ये प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग के अंदर जो है वो आता है प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में एक्वेंट न्यू एंट्रेंस विद ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही तुम्हें तो बी एड में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई थी अदर देन कंप्लीटिंग योर टास्क है ना स्टूडेंट रिलेटेड टास्क तो ये नहीं होगा अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज टू डेवलप टीचिंग स्किल्स या फिर अंडरस्टैंडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज आई ऑलवेज टेल यू ये बेशक करिकुलम फ्रेमवर्क हो बेशक रिसर्च हो बेशक कुछ भी हो सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो आता है ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप प्लानिंग सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले एम और ऑब्जेक्टिव तो कोई अभी ट्रेनिंग ले रहा है तो भाई उसको बताओ कि क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है देखिए ए के साथ का लगा हुआ है ये तो सही होना चाहिए चेक कर लेते हैं बाकी बी प्रैक्टिस टीचिंग क्या होती है उसके बाद आता है इंडक्शन ट्रेनिंग और आता है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग क्या है आप को जॉब मिल चुकी है आपको एक दो महीने हो चुके हैं मे बी दो साल हो चुके हैं तीन साल हो चुके हैं तीस साल हो चुके हैं जो है पच्चीस साल हो चुके हैं इन सर्विस तो एक बार ही नहीं कि आपको जॉब मिल गई एंड यू आर डन एंड डस्टेड नो यू हैव टू रेगुलरली इनहस योर नॉलेज वेदर इट इज अटेंडिंग वर्कशॉप्स, वेदर इट इज अटेंडिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सेमिनार्स यू हैव टू डू इट ऑल ठीक है no, to programs, seminars, to तो टू डेवलप टीचिंग स्किल्स तो नहीं आएगा उनके ऑलरेडी टीचिंग स्किल्स जो है वो डेवलप्ड है अंडरस्टैंडिंग एम्स लेकिन मुझे समय के अनुसार उन स्किल्स को जो है शार्पन करना है ठीक है मुझे सेमिनार्स अटेंड करने है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पता होना चाहिए तो ये बिल्कुल सही है अब आता है इंडक्शन ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है प्रियंका मैम ज्वाइंट पीडब्ल्यू राइट तो अभी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है कुछ दिनों के बाद आप हमें लाइव देखोगे अब ऐसा तो नहीं है डेट वेन वी एंटर्ड यूर वी वी न्यू एवरीथिंग वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज इन डेट तो हमेशा मुझे पूछ, पूछते मैम इन सर्विस इंडक्शन ओरिएंटेशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो आई थिंक ये बेस्ट बेस्ट टाइम है आप सबको समझने का कि नाउ वेन वी आर यू नो इन टू दिस न्यू प्लेटफॉर्म तो हमारा क्या चल रहा है इंडक्शन चल रहा है हमें नई नई चीजों को यू uh, नो you know, uh, सिखाया जा रहा है हम सीख रहे हैं राइट right? तो इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो नए एंट्रेंस होते हैं जो किसी जॉब में नए लोग होते हैं उनको बताया जाता है कि भैया ये तुम्हारी ड्यूटी है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम ये रूल्स फॉलो करते हैं तुम्हें भी वो फॉलो करने पड़ेंगे सो so, आपका इंडक्शन के साथ सी के साथ वन लग रहा है बिल्कुल बढ़िया अब प्रैक्टिस टीचिंग क्या होती है प्रैक्टिस टीचिंग होती है स्टूडेंट जब आप फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है ना आपको इंटर्नशिप्स पे भेजा जाता है आप जाके वहाँ पे पढ़ाते हो स्टूडेंट्स को तो वो प्रैक्टिस टीचिंग है ठीक है तो यहाँ पे प्रैक्टिस टीचिंग के अंदर क्या होगा टू डेवलप टीचिंग स्किल्स क्यों आपको इंटर्नशिप्स के लिए भेजा जाता है स्कूल में क्लासेस में पढ़ाओ बी करते दौरान ताकि आप टीचिंग स्किल्स जो है पहले सीख लो जब सीख लोगे जॉब मिलेगी उसके बाद ही जो है आप उनको जो है अप्लाई कर पाओगे ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है एजर्शन कह रही है द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम

तो आपको सपोज मुझे वो ट्रेनिंग देनी है तो अगर एसपीएसएस की वर्कशॉप में अटेंड कर रही हूं तो उसके अंदर कॉन्टेंट मैच होना चाहिए ना उसके साथ ही ट्रेनिंग मैच होनी चाहिए एंड हैज द पोटेंशियल टू मीट द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द टारगेट ग्रुप तो अगर मैं एसपीएसएस की वर्कशॉप कर रही हूं तो मतलब क्या है मेरी नीड है मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं एस बी एस तो जो वर्कशॉप मैं ज्वाइन करती हूं फॉर एग्जांपल उसके अंदर ये सभी नीड्स को केटर किया जाना चाहिए तभी वो इफेक्टिव होगी तो स्टेटमेंट तो सही है रीजन कह रहा है द मिसमैच बिटवीन ऑब्जेक्टिव कॉन्टेंट नीड ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज सपोज रिसोर्सिसब्जेक्टिव क्या है एस पी एस एस को सीखना वर्कशॉप uh, का ऑब्जेक्टिव क्या लिखा गया है एसपीएसएस सिखाएंगे लेकिन वहां पर तो कुछ और ही सिखाया जा रहा है एसपीएसएस बोल के फॉर एग्जाम्पल एस एस की ट्रेनिंग दे दी जाए है ना या एक्सेल की दे दी जाए और बोला क्या गया था कि हम एसपीएसएस जो है उसकी ट्रेनिंग देंगे तो ये मिसमैच हो गया ना ठीक है मेरी नीड क्या थी कि मुझे एसपीएसएस में ट्रेनिंग चाहिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपकी जो नीड है जिसके लिए आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करते हो उसका जो कंटेंट है वो मैच होना चाहिए नहीं तो रिसोर्सेज की वेस्टेज है आपने इतना पैसा लगाया ट्रेनर्स को बुलाया आपने यू you नो know, ट्रेनीस को बुलाया तो सभी के सब, सभी के सब चीजें वेस्ट हो जाएंगी अगर यहाँ पे मिसमैच होगा तो आप कह सकते हो कि एजर्शन और रीजनिंग जो है वो बिल्कुल क्या है सही है और जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हिंदी के स्टूडेंट्स आप यहां से देख सकते हो और आपको सभी नोट्स जो है वो मिल भी जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन अब ये क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तो यूजीसी एज आई टोल्ड यू इज द एपेक्स बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया तो ये क्या देती है ये ग्रांट्स देती है ठीक है और इसको ग्रांट्स कहां से मिलते हैं खुद से पैसा कहां से मिलता है गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से अब आपको पता है अगर इसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तो ये पैसा दे रही है डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई ठीक है तो स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी एक प्रोसेस के थ्रू यूजीसी को अप्रोच करना होता है तो ये कह रहे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है फॉर एग्जाम्पल डी कॉलेज ले लो या फिर पीपी बेस्ड कोई यू नो इंस्टीट्यूशन हो या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही हो उसको भी क्या करना है यूजीसी से ग्रांट्स के लिए वो एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो लिख के जो है वो भेजते हैं तो कब आप एलिजिबल हो सकते हो ग्रांट्स के लिए ग्रांड एड इंस्टीट्यूशन डज नॉट मेक सेंस एस्टेब्लिश बाय अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो एजुकेशन रिलेटेड हो और उनको ग्रांट्स मिले तो ये नहीं होगा रिकोगनाइज बाय इंटरनेशनल क्वालिटी काउंसिल कंट्रोल बॉडी नहीं लाइक आई एसओ नहीं होगा एक्रेडिटेटेड बाई नैक बिल्कुल सही आपने देखा होगा जितने भी इंस्टीट्यूशन अच्छे वो नैक्रेडिटेड होते हैं तो अगर आपको NAC की accreditation मिली है यू नो ए ए ए प्लस 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 ट्रिपल तो आप एलिजिबल हो सकते हो ग्रांट्स के लिए अगर आपका इंस्टीट्यूशन नैक एक्रेडिटेटेड नहीं है तो आपका ग्रांट प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट जो है वो नहीं होगा तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो होती है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन के ऊपर आते हैं Which of the following has been proposed by National Education Policy 2020 to frame the expected learning outcomes for higher education programs? Again, मेरी prediction है, इसको आप लिख लो कि नई शिक्षा नीति के ऊपर जो है question आएगा, questions on NEP will definitely come. पता है किसमें? Paper one में भी आएगा। और पेपर टू एजुकेशन के अंदर भी आएगा ये लिख लेना और ये नोट्स को एनोटेटेड नोट्स को आप रख भी लेना और जो जिन्होंने भी मेरी बुक ली आपको पता है दोनों के अंदर आपको रियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी मैंने दिया है और उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक मॉक भी फ्रेम किया है ठीक है तो अब ये कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति ने इनमें से कौन सी चीजें टू ऑबटेन हायर लर्निंग आउटकम्स जो है वो स्टेब्लिश की है या प्रपोज की है क्या है यहां पे पॉइंट एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स जनरल एजुकेशन काउंसिल हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बिल्कुल नहीं ये हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो है ये फ्रेम किया गया है ठीक है इसको नहीं इंक्लूड करोगे आप हायर एजुकेशन ग्रांट जो है वो ग्रांट्स देती है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज भी नहीं इसके अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए क्या अदर रिक्वायरमेंट्स हैं पब्लिशिंग हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया है या नहीं किया तो प्रॉपर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ये सब जो है प्रपोज किया है नई शिक्षा नीति ने ये चारों की चारों चीज़ें लेकिन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ये जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है इसके फंक्शंस के अंदर नई शिक्षा नीति ने जो है वो डाला है कि जो जनरल एजुकेशन काउंसिल है वो लर्निंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया चेक करेगी ये देख लीजिए अकॉर्डिंग टू एनईपी ट्वेंटी दिस इज अ कोर्ट दिस इज अ कोर्ट एज आई टोल्ड यू की क्लासेस के अंदर यू विल बी गेटिंग टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी जीईसी विल फ्रेम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स तो देख सकते हो आप देख सकते हो आपके बुक में भी मैंने डॉक्यूमेंट दिया है क्लियरली पहली लाइन में आपको पता चल गया लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो रेफर्ड एज ग्रेजुएट एट्रीब्यूट ठीक है अब यह भी लिखा है कि अशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एन एच ई क्यू एफ विल बी फॉर्म्यूलेटेड बाय जीईसी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था ना ये पूछा था यहां पे ये देखिए तो ये कौन फ्रेम करेगा जी फ्रेम करेगा स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बारीक हैं और ये पूछे जा सकते हैं नई शिक्षा नीति पे जो ऊपर ऊपर सुपरफेशियल क्वेश्चंस थे वो आ चुके हैं अब इन डेप्थ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे तो एनएचई क्यू एफ कौन फ्रेम करेगा ये फ्रेम करेगा जी ई सी एंड इट शिंक विद नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ऑल्सो और ये किसके सिंक में होगा किसके साथ जुड़ाव में होगा ठीक है टू ईज इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन टू हायर एजुकेशन तो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हो गया और साथ में वोकेशनल एजुकेशन ये सब जो है आप कोलेबोरेट करोगे इन सिंक रखोगे So that higher education qualifications leading to degree, diploma or certificate shall be described by NHEQF in terms of such learning outcomes. So, I hope this slide has been useful to you. It is going to be very important for your upcoming exam. Now, let's come to question number 8. NCT was established for which of the following objectives? Yani ki NCT established established in 1973 mein as advisory body. Okay. उसके बाद 1995 के अंदर इसको स्टेचुएटरी बॉडी बना दिया गया ऑलराइट right. अब ये क्या कह रहे हैं कि बेसिक एम क्या था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एपेक्स बॉडी हम लोगों का जिसको कहती हूँ टीचर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए मंदिर है ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं भाई यूनाइटिंग द टीचर्स ऑफ इंडिया की चलो भाई इकट्ठे एक, एक तरह से आपका ग्रुप बना दिया जाए सभी टीचर्स का नहीं इंक्रीजिंग फोकस ऑन रिसर्चेस इन टीचर एजुकेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम तो इसका आंसर आएगा डेवलपमेंट क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर आपका रिसर्च uh, भी एक हिस्सा है तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के ऊपर फोकस करते हो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ रिसर्च इज इसका एक पार्ट है जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो उसके अंदर मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन इनोवेशन और इनोवेशन आती है इनोवेशन किसके थ्रू आएंगी रिसर्च के थ्रू सो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस ओनली एंड दिस इज द राइट आंसर ओके लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट वन Here here. we go. You can take the notes from here. Now, inquiry training model was given by Deng, Richard Habermas. So, Shuman wo iske सही आंसर होंगे चलिए inquiry training model क्या है अगर सरल भाषा में बताएं तो इसका मतलब होता है कि जो Shuman ने दिया वो क्या है कि आप बच्चे के सामने कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो सबसे पहले आप उनको इंगेज करो उसके बाद आप प्रेजेंट करते हो कुछ और वो बच्चा जो है वो खुद से अपनी डिस्कवरी ओरिएंटेड मोड में जाए और उससे चीजों को सीखे इन सब के बीच में जो है आपका सोशल सिस्टम इन्वॉल्व होता है यानी कि क्लास में बाकी आपके क्लासमेट्स आपके टीचर्स अदर स्टाफ एट द सेम टाइम सपोर्ट मटीरियल भी इन्वॉल्व होता है सपोर्ट मटीरियल क्या होता है जैसे आपके टीचिंग लर्निंग एड्स हो गए एटसेट्रा एटसेट्रा तो चलो इसको थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं ठीक है द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बाई शूमे सबसे पहले फोकस क्या है किस चीज के ऊपर आप यू uh, नो you know, उनको पढ़ाना चाहते हो सिंटेक्स आएगा सिंटेक्स का मतलब क्या होता है जो भी आप कर रहे हो उसका मीनिंग अब इसके फाइव फेजेस होते हैं फेज वन क्या है गिव द प्रॉब्लम टू द चाइल्ड फेज टू में क्या होगा बच्चा डेटा गैदर करेगा उससे रिलेटेड फेज थ्री में क्या होगा आपने डेटा गैदर किया अब आप क्या कर रहे हो उसको अप्लाई करके देख रहे हो यानी कि आप एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे हो फेज फोर के अंदर जो है आप फॉर्मुलेट करते हो यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग फेज फाइव में आप अनालिस करते हो पूरी की पूरी प्रोसेस के थ्रू जो आप गए हो इसका अनालिसिस करते हो और सोशल सिस्टम आता है सोशल सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसके अंदर प्यर ग्रुप टीचर स्टूडेंट स्टाफ एक्सेट्रा इंक्लूड होगा सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपके ऑडियो विजुअल एड्स अदर हेल्पिंग एज़ इन द क्लासरूम एंड एवलुएशन. फाइनली मैं आप एवलुएट करोगे कि क्या आपने जो आपका फोकस था क्या वो एचीव हुआ या नहीं हुआ. ठीक है? Let's come to question number ten. Which one of the following is true about reflective teaching? Teaching via lecture method, cyclic process of thinking about teaching, process of thinking about researches and process of preaching. रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती क्या है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगेन पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है कि एक टीचर जो है वो प्लान के साथ अपनी टीचिंग प्रोसेस जो है वो करे टीचिंग करने के बाद क्लास लेने के बाद वो सोचे कि क्या जो मेरा एम था क्या मेरा जो ऑब्जेक्टिव था क्या मैंने अचीव किया क्या मैं स्टूडेंट्स को जो पढ़ाना चाहती थी क्या वो बच्चों को मैं पढ़ा पाई जब मैं क्लास में बाद में उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैंने पढ़ाया उसके रिगार्डिंग क्या वो बच्चे केपेबल थे उसको आंसर करने में बैक तो ये सब होती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग अगर आपको लगता है कि लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए वेल एंड गुड आपको ये प्रोसेस रिपीट करना चाहिए अगर आप देखते हो कि आपने पढ़ाया और स्टूडेंट्स ने वैसे रिस्पॉन्सेज नहीं दिए या लर्निंग आउटकम्स अचीव नहीं हुए तो फिर आप क्या कहते हो कि नहीं मुझे अपना मेथोडोलॉजी जो है वो चेंज करना पड़ेगा यानी कि एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग आप समझ गए आप सबसे पहले अपने एम्स लेके जाओगे कि आपका एम है क्या आपके ऑब्जेक्टिव है ठीक है आप प्लानिंग करोगे पूरे के पूरे लेसन की कि मुझे भाई प्लान कैसे करना है उसके बाद आप ये भी देखोगे कि आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे सो आई से एग्जीक्यूट इसका मतलब हो गया क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे क्या आप मेथड फॉलो करोगे ठीक है और फिर उसके बाद आप स्टूडेंट्स की जो है वो नॉलेज भी टेस्ट करते हो टेस्टिंग भी आ जाता है यहाँ पे क्योंकि यहां से आपको बहुत ज्यादा पता चल जाता है कि आपके लर्निंग आउटकम्स जो है वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए सो लर्निंग आउटकम्स जब अगर आप अचीव कर लेते हो तो ये किसके अंदर आएगा जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप पूरी की पूरी टीचिंग को कॉन्टेम्प कर कर रहे हो कि क्या ये अचीव हो पाए या नहीं अचीव हो पाए तो वेरी गुड नहीं तो नए मेथोडोलॉजी से आप एग्जीक्यूट करो क्लास को ठीक है तो इसके लिए एक छोटा सा चार्ट भी है टीच सेल्फ असेस करो अपने आप को क्या जो आपका प्लान था लर्निंग आउटकम से हुए या नहीं कंसीडर करो और फिर आप उसको प्रैक्टिस करो कंसीडर मतलब इन प्रोग्रेस एंड देन यू प्रैक्टिस इट एंड इफ यू फाइंड थिंग्स आर ओके रिपीट इफ यू फाइंड That learning outcomes were not achieved, then you better change the strategy and start the cyclic process again. Now, coming to question number eleven, according to NCFTe 2009, which of the following is not recommended for teacher education? Before even I take you towards the statements, I want to talk about NCFTe 2009. Students, NCFT hai National Curicu uh, National Council for टीचर एजुकेशन हमारी आपकी एपेक्स बॉडी है ना हमारा आपका मंदिर एनसीटी जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बनाती है यानी कि बी एड कॉलेजेस में बी ए बी एड कॉलेजेस में एम एड कॉलेज में किस प्रकार का करिकुलम लिया जाएगा और किस प्रकार से ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाएगी क्या उनको पढ़ाया जाएगा क्या उनको एक्सपीरियंस जो है वो दिया जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा ये सब एन सी एफ टी में दिया होता है तो जो बच्चे लेटेस्ट आई थी अब तक लेटेस्ट आई थी 2009 में लेकिन एनसीटीई ने इसका आधा पार्ट रिलीज किया है आधा पार्ट रिलीज किया है अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल आ सकता है क्योंकि लेटेस्ट है इन्होंने अभी आई रिलीज किया है आई समझते हो इसके ऊपर भी मैंने क्लास की थी दैट इज इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है ये आई टेप इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन मतलब जैसे आपने जो फोर ईयर इंटीग्रेटेड होते हैं ना जिसके अंदर बीए बीएड आ गया आपका बीए बीएड आ गया ठीक है रुको इसको ठीक करते हैं थोड़ा इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका बीए बीएड या ये भी आ सकता है आपका बीएससी बीएससी बीएड आ गया एंड ऑन so राइट right? तो आई टेप ना फॉर्मुलेट किया गया है कि बी ए बी के अंदर जो भी बच्चे करते हैं बी एस सी बीकॉम के अंदर तो आपको पता है ना कि फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस, प्लस फोर स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको इन्होंने क्या नाम दिया फाउंडेशनल का जैसे अभी अभी तक हमारे जैसे आपने और मैंने अपनी दसवीं की ग्यारहवीं की बारहवीं की तो हमने कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो किया था टेन प्लस टू का अभी नई शिक्षा नीति ने कहा है नो अभी हम फॉलो करेंगे फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर स्ट्रक्चर फाइव के अंदर आ जाएगा फाउंडेशनल थर्ड के अंदर आ जाएगा ये जो नेक्स्ट थ्री है इसके अंदर आपकी प्रेपरेटरी स्टेज आएगी ये आपकी मिडल स्टेज आएगी ठीक है और ये जो आपके फोर है इसके अंदर आपका सेकेंडरी स्टेज आ जाएगा और ये जो सेकेंडरी स्टेज है इसके अंदर कौन सी क्लासेज होंगी नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ ठीक है सिक्स सेवन एट इसमें आ जाएगा थ्री फोर फाइव इसमें आ जाएगा थ्री डाउनवर्ड्स जो है वो फाउंडेशनल में आ जाएगा तो आई के अंदर ये चार फेजेज यानी ये जो चार यू नो स्टेजेस हैं इनमें कैसे जो टीचर है वो ट्रेन होगा यानी अगर टीचर कोई फाउंडेशनल स्टेज पे पढ़ाना चाहता है तो उसकी ट्रेनिंग के बारे में जो दिया गया करिकुलम फ्रेमवर्क वो अलग है कोई मिडिल पे पढ़ाना चाहता है उसका अलग है तो ये आई के अंदर जो है डीलिनियट यानी बताए गए हैं एन ने ठीक है अभी तक पूरा एनसीएफटी रिलीज नहीं हुआ है आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अभी तक सिर्फ आई रिलीज हुआ है और आई भी जो रिलीज हुआ है वो हुआ है 2023 में याद रखिए एन लेटेस्ट अभी नहीं आया है पूरा नहीं आया है आधा है चलिए अब ये क्या कह रहा है इनमें से क्या रेकमेंड नहीं किया था एनसीएफ टी ने टू थाउजेंड नाइन में टू क्रिटिकली एग्जामिन द स्कूल करिकुलम भाई नहीं हम तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है टू हेल्प द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू एंगेज विद फील्ड एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ठीक है टू टीच लर्नर्स ओनली थ्यूरीज टू अंडरस्टैंड साइको सोशल एट्रीब्यूट टू हेल्प टीचर्स इन डेवलपिंग कॉन्शियसनेस एंड फाइनर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन ठीक है तो अब क्या होगा NCFT ने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट जो है वो आएंगी एक टू टीच लर्नर्स थ्रू थ्यूरीज टू अंडरस्टैंड साइको सोशल एट्रीब्यूट ये स्टेटमेंट जो गलत है यहां पर लिखा है ओनली थ्यूरीज नहीं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी अब यहां पर एक थोड़ा सा गलती यहां पर यह हुई है कि स्कूल करिकुलम तो यहां पर आपके आंसर आने चाहिए ऑप्शन नंबर ए और सी ठीक है एग्जामिन स्कूल करिकुलम एनसीएफटी में नहीं बोला गया था टीचर एजुकेशन करिकुलम के रिगार्डिंग था तो यहां पे ऑप्शन ए और सी जो है वो दोनों आंसर सही होंगे ठीक है ए एंड सी लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच अमाग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एर हैंडल एंड लोवर्स इन नाइनटीन एटी जब ये क्वेश्चन मैंने भी पढ़ा था ना इवन आई वॉज फ्लैबर्ड आई वॉज शॉक्ड कि भाई इतना तो इनके बारे में कभी पढ़ा नहीं है कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया ये तो इसके बारे में मुझे भी पढ़ना पड़ा था जब आपने क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किए थे तो इवन आई हैड टू रीड अबाउट दिस कि हैंडल एंड लॉबर्स ने क्या दिया था भाई रिफ्लेक्टिव टीचिंग में तो बड़ी ही मुश्किल से मुझे एक पुराना रिसर्च पेपर मिला उसको मैंने पढ़ा उसके बारे में सीखा और वो सभी मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो शेयर करूंगी ठीक है तो जो हैंडल और लॉवर्स थे ना उन्होंने कहा प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ एक्शन लेवल ऑफ एथिकल कॉन्सिड्रेशन लेवल ऑफ एथिकल कॉन्सिड्रेशन प्लानिंग रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ एक्शन प्लानिंग करना रिफ्लेक्ट करना एथिकल कॉन्सिड्रेशन का ध्यान रखना लेवल ऑफ एक्शन या फिर एक्ट करना प्लान करके रिफ्लेक्ट करना और साथ ही साथ एथिकल कॉन्सिड्रेशन को भी ध्यान में रखना लगेगा ना बहुत अजीब सा है कि भाई पहले एक्ट कर रहा है फिर प्लान कर रहा है सो so बेसिकली इन्होंने ये बोला था कि जो टीचर जो है वॉट ही मेंट वॉज जब वो टीचर एक्ट करता है उसके पीछे रिफ्लेक्शन का रोल होता है ठीक है प्लानिंग होती है और साथ ही साथ में वो एथिकल कॉन्सिड्रेशन को भी ध्यान रखता है अब जो प्लानिंग और रिफ्लेक्शन होती है वो बहुत सी चीजों के ऊपर बेस्ड होती है एक टीचर के खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर टीचर की कंटेंट नॉलेज के ऊपर कुलीग्स ने क्या कहा Uh, बाकी जो यू you नो know, लोग हैं जो रिव्यू अगर उन्होंने किया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वहाँ से उनको क्या चीज़ मिलती है या कोई कम्युनिटी नॉलेज है या कुछ भी है कहीं से भी उनको उस पर्टिकुलर यू नो कॉन्सेप्ट के ऊपर नॉलेज मिल रही है वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसी के बेसिस के ऊपर उनकी प्लानिंग होती है और साथ ही साथ वो ये भी ध्यान रखते हैं कि जो वो प्लान किया है या जो उन्होंने एक्शन लेना है वो एथिक्स समझते हैं एथिक्स जो होती है मॉरल प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी जो फॉलो करती है उसके कॉन्सिडरेशन में होना चाहिए तो यहाँ पे जो सही सीक्वेंस है वो ये है है चलिए मैं आपको थोड़ा इस जो इनका मॉडल उसके बारे में में बता देती 1987 इन्होंने दिया था और इसका नाम था प्रैक्टिकल थ्योरी एंड एक्शन इन्होंने नाम दिया था ठीक है गिवन बाय हंडाल एंड लॉवर्स दे आइडेंटिफाइड द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस टीचर्स डिसीजन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे ठीक है वेन कार नहीं आएगा यहां पे ये यह क्या आएगा कैरिंग आउट वाइल कैरिंग आउट ठीक है देयर टास्क द कॉन्टेंट ऑफ द थ्यूरी इंक्लूड्स एलिमेंट यानी कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसका जो कॉन्टेंट है वो कहां से डिराइव होता है टीचर के वैल्यू सिस्टम के ऊपर क्या टीचर का बिलीफ है क्या उसके जो है एथिक्स है क्या उसकी नॉलेज अबाउट टीचिंग रह चुकी है पेडागोजी के बेसिस के ऊपर उसके खुद के एक्सपीरियंस क्या रह चुके हैं बाकी अदर्स अभी अदर्स के अंदर मैंने आपको बताया था आपके कोलीग्स हो गए या आपको कम्युनिटी से लोग पता चलता है या फॉर एग्जांपल आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से पढ़ते हो उसका क्या इम्पैक्ट होता है एंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एथिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट ठीक है और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में इंटर रिलेट करते हैं और ये एक टीचर का जो बिहेवियरल यू नो मैनर होता है या बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट होता है उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं तो आई होप आपने ये नया कॉन्सेप्ट सीखा आज ये लिखिए अगेन ये जर्नल ऑफ रिसर्च एंड स्पेशल एजुकेशन ये वहां से लिया गया है इसका रेफरेंस आप देख सकते हो तो यहां पर अडप्टेड वर्जन ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है दिस इज दर्जन ऑफ हंड एंड लॉवर्स अडेप्टेड समझते हो जिसके अंदर थोड़े से चेंजेस के होते हैं ठीक है वो सभी कॉन्सिड्रेशन आप देख सकते हो कैसे एक दूसरे से फ्लो चार्ट में इंपैक्ट कर रहे हैं ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करियर स्टेजेस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स क्या इसके अंदर सही स्टेजेस है ये भी क्वेश्चन लेटेस्ट है एक्सपर्ट टीचर लीड टीचर बिगिनर टीचर प्रोफेशन टीचर प्रोफेशन टीचर बिगिनर टीचर एक्सपर्ट टीचर लीड टीचर बिगिनर टीचर एक्सपर्ट टीचर लीड टीचर प्रोफिशियंट टीचर बिगिनर टीचर प्रोफिशियंट एक्सपर्ट और लीड टीचर तो मेरे स्टूडेंट्स जो है है ना वो बेशक मेरे साथ एक महीने से जुड़े हैं या पिछले कई सालों से जुड़े हैं बे नो कि भाई स्टार्ट तो बिगिनर टीचर से होगी लेकिन इस क्वेश्चन के बेस किसके इसके जो पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो जानना बहुत जरूरी होगा कि ये क्वेश्चन क्यों आया क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ क्या करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए करियर स्टेज का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स बट नहीं इस क्वेश्चन के पीछे एक प्रॉपर नई शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया कॉन्टेक्स्ट uh, है चलिए इसको पहले मैं आपको बताती हूँ आपको पता है एनपीएसटी जिसको कि हम नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स कहते हैं इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कॉम्प्राइजिंग ऑफ गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव हाई क्वालिटी टीचिंग एंड ये डिफाइन करेगा एक टीचर की स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं उसको ठीक है ये एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी द्वारा जो ये बताई गई बात है कि ये स्टैब्लिश होगा जहां पर क्लियरली बताया जाएगा कि टीचर से क्या एक्सपेक्टेड स्किल्स जो है वो होंगे अब ये जो एनपीएसटी है ये प्रिपेयर इज इट इज बींग प्रिपेर ठीक है इन कंसल्टेशन विद एनसीआर इसको प्रिपेयर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनसीआर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हाई स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशनल और वोकेशनल स्टडीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन सब की कंसल्टेशन के थ्रू बनाया जाएगा आप बोलोगे ये क्या है ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं या ये क्या कह सकते हो आप बॉडीज हैं एजुकेशनल बॉडीज हैं जिनकी क्या ली जाएगी मदद ली जाएगी हेल्प विल बी टेकन ठीक है फ्रॉम दीज बॉडीज एनसीआर टी एस टी डिफरेंट डिफरेंट टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस टीचर्स की यहाँ पे यू नो हेल्प ली जाएगी हाई स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर वोकेशनल स्टडीज एंड अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनकी मदद ली जाएगी अब अब ये जो एनपीएसटी है इससे क्या होगा इससे टीचर की करियर मैनेजमेंट होगी एफर्ट्स डाले जाएंगे कि एक टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो पाए उसी के बेसिस के ऊपर इंक्रीमेंट्स भी जो है वो लगेंगे प्रोमोशंस भी होंगी टीचर का जो टेन्योर है वो प्रोबेशनरी एंड परमानेंट टीचर्स का जो है वो पता चलेगा राइट अगर कोई टीचर प्रोबेशनरी पीरियड में अच्छा काम कर रहा है परमानेंसी दी जाएगी नहीं तो उसको दोबारा से प्रोबेशन पीरियड पर जो है वो रखा जाएगा और रिकोग्निशन और रिवॉर्ड्स भी देंगे तो ये देखिए इस बार ही तो इन्होंने हमें छोड़ दिया ये सिंपल सिंपल चीजें पूछ के यू नेवर नो नेक्स्ट टाइम में हमसे ये पूछ लें तो ये जो एनपीएसटी है ना इसने करियर स्टेजेस जो है वो डिफाइन की है करियर स्टेजेस डिफाइन की है जिसके अंदर इन्होंने बिगिनर टीचर को बोला है प्रगमी शिक्षक अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्रवीण शिक्षक वो है जो बिगिनर के आगे यानी प्रोफिशियंसी यानी कि कॉम्पिटेंसी गेन कर लेता है कुशल शिक्षक यानी कि वो एक्सपर्ट है जो उसकी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट प्रमुख शिक्षक यानी लीड टीचर अब वो आगे जाके बाकियों को भी ट्रेन कर सकता है एक्सपर्ट तो है ही है वो और कॉम्पिटेंट भी पूरा का पूरा है ये सारे के सारे वो स्टेजेस पार चुका है पार कर चुका है और अब वो लीड कर सकता है बाकी सबको सो आई होप यू एंजॉय दिस हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं एनी 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी रिकमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनिंग फॉर जिनल एजुकेशन काउंसिल अभी आपको बताया मैंने ठीक है अब ना इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है आ, क्योंकि वो यूपीएससी में भी पूछा गया है और यूजीसी में भी आंसर अलग अलग थे वो ये था कि आ, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इससे जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है है ना हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया वैसे तो इसके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ ये है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया अब इसको बोला गया है कि ये एक यूजीसी को रिप्लेस कर देगी कभी कभी ये बोलते हैं कभी कहते हैं कि हम अम्ब्रेला बॉडी है सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसके अंदर आएंगे तो एच के अंदर जनरल एजुकेशन काउंसिल भी आता है ठीक है आप इसके अंदर एनएचई भी आता है और राइट? इसके अंदर एनएचसी भी आएगा ठीक है एच भी आएगा और राइट? तो जो नैक है ये क्या बोल रहे हैं कि जो एन ए सी है वो डबल ए जहां पे डबल ए इसको को आई विल राइट इट लाइक दिस नैक विल रीप्लेस एन ए सी ठीक है एक इसके अंदर ये है दूसरा इसके अंदर जनरल एजुकेशन काउंसिल है फिर उसके बाद इसके अंदर क्या है ग्रांट्स है एच ई जी सी ठीक है तो आपका एक नैक हो गया आपका जनरल एजुकेशन काउंसिल हो गया उसके बाद आप जो है ग्रांट्स दे रहे हो इसके बाद एक और वर्टिकल है जो कि मैं आपको होमवर्क दे रही हूं एक और वर्टिकल है आपका होमवर्क ये है कि जो फोर्थ वर्टिकल है आप उसका नाम जो है मुझे बताओगे मैंने आपको तीन वर्टिकल्स जो है वो बता दिए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको पका पकाया खाना नहीं देना चाहती मैं चाहती हूं कि आप वर्क करो ये तीन मैंने आपको बता दिए चौथा कौन सा है ये आप मुझे बताओगे अब आते हैं हम जो आपको मैंने मेजर चीज बताई थी जिसके ऊपर स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन हो रही है जो क्वेश्चन यूपीएससी और नेट में पूछा गया था और डिफरेंट आंसर दिए गए थे अब ना इसको बोला जाता है कि ये क्या है अम्ब्रेला बॉडी है अम्ब्रेला बॉडी यानी ये बिल्कुल ध्यान रखेगी सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ठीक है इट इज हायर एजुकेशन यू नो बॉडी अम्ब्रेला बॉडी फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये सही है या गलत है अब इसको यूपीएससी में गलत माना गया और नेट में इसको सही माना गया अब वाकई में क्या ये सही है या क्या ये गलत है देखिए इसको ये कहना कि ये अम्ब्रेला बॉडी है हायर एजुकेशन की अक्रॉस इंडिया ये गलत होगा उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर मेडिकल एजुकेशन मेडिकल फील्ड अपने आप में एक हायर एजुकेशन है और लीगल ये नहीं आते ठीक है मैं आपको पूरा का पूरा तर्क दे रही हूं मैं पूरी रेशनैलिटी आपको दे रही हूं ये सब इसके अंदर नहीं आते तो अगर तो आप बोलो कि ये हायर एजुकेशन यू नो अम्ब्रेला बॉडी होगी विदाउट मेडिकल एंड लॉ फील्ड तो सही है लेकिन अगर आप इसको बोल रहे हो कि नहीं भाई ये अम्ब्रेला बॉडी होगी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तो नहीं उसके अंदर मेडिकल और लीगल भी आता है और वो इसका हिस्सा जो है वो नहीं है ठीक है तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई है होमवर्क क्वेश्चन है आपका आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना और अब जनरल एजुकेशन काउंसिल का क्या है फंक्शन वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग करना जो कि हर इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन का उसको फॉलो करेगा ठीक है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्ट हमने नया सीख लिया है क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एनईपी ट्वेंटी ने क्या प्रपोज किया है ठीक है एनपीएसटी अभी किया है आपने मेरे साथ ठीक है ट्वेंटी आवर्स नहीं भाई फिफ्टी आवर्स बोले हैं इतने कम थोड़ी ना बोले इन्होंने नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग टल मोबिलिटी फॉर टीचर्स इंटीग्रेटेड जिसकी बात की है, तो हॉरिजेंटल मोबिलिटी का मतलब है, एक जगह से सेम लेवल के ऊपर उनको ट्रांसफर करते रहो भेजते रहो तो ऐसा तो नहीं है तो क्या आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सी और ई e. ठीक है आई होप देर इज नो डाउट इन टू इट ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच अमंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन अगेन बहुत सिंपल है इट एसेंशियली इन्वॉल्व इन इंटलेक्चुअल ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मस इन टू प्रैक्टिस रॉ मेटीरियल अरे भाई स्टूडेंट है रॉ मेटीरियल होता है कोई कोई हो गया है है ना थोड़ा सा इसको technical बोलेंगे तो भाई, कोई raw material तो भाई नहीं है, ये तो गलत कर दो, बिल्कुल ऑटोनोमस लर्नर या फिर ऑटोनोमी के ऊपर जो है ज्यादा एक्ट जो है वो नहीं करता इट हैज कॉमन कोड ऑफ एथिक्स अब आप बताओ इसमें से आपको क्या करना है दो चीजों को इलिमिनेट करना है आपको क्या लगता है इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए ये तो हटा दो इसको मैं आपको करना दिखा रही हूं ठीक है कि कैसे आपको करना है जहां पे भी बी बी लगा है वहां पे हटा दो अब आपके पास आंसर आया या तो बी या डी सी इसके अंदर भी है सी इसके अंदर भी है ई e भी है ई e भी है हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर ए और डी के बीच में अब ये कह रहा है इट डज नॉट बॉदर मच अबाउट ऑटोनोमी या फिर इट एसेंशियली इन्वॉल्व इन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन अब हम इसको मान के चल रहे थे कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कह रहा कि ऑटोनोमस लर्नर्स बनाना इसका एम ही नहीं है बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है ना अब ये अब आप बताओ ये सही होगा या ये सही होगा आपको नहीं लगता कि इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन है टीचर जब आपको पढ़ाता है तो उसके पीछे उसका इंटेलेक्ट होता है उसकी कंटेंट होती है कंटेंट नॉलेज होती है कैसे उसको अप्लाई करना है तो कंप्लीटली हो गया ना ये ऑप्शन ठीक है ठीक है और भाई सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ द टीचिंग प्रोग्राम तो ये होगा और कॉमन कोड ऑफ एथिक्स आप मेरे साथ कर चुके हो क्या टीचर्स uh, के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ठीक है आपको मैंने बताया कि टीचर की अपनी एक प्रियाम्बल होती है जो शायद ही हमको पता है पुराने स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा क्या उनका ड्यूटी होता है सोसाइटी के प्रति कम्युनिटी के प्रति जिस इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहे हैं उसके प्रति अपने स्टूडेंट्स के प्रति उनके आगे पेरेंट्स के प्रति अपने कोलीग्स के प्रति तो ये कोड ऑफ एथिक्स वो फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है कोई पीछे नहीं आएगा डंडा लेके तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जो है वो होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं क्वेश्चन कह रही है यूजीसी गेट्स इट्स फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली राइट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्योंकि सेंट्रल बॉडी है पूरे के पूरे इंडिया में एपेक्स बॉडी है हायर एजुकेशन की इसको ग्रांट्स मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कि ये डिस कर देती है किसको यूनिवर्सिटीज uh, को या कोई भी फंडिंग मांगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई तो उनको ये फंडिंग देती है कोई रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसको फंडिंग देती है तो ये सही है रीजन कह रहा है यू इज एस्टैब्लिश अंडर सेंट्रल एक्ट बाय द पार्लियामेंट विच वॉज पास इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स को मान के चलो कि ये स्टेचुएटरी बॉडी बनी कौन से साल में 1956 में तो सही है लेकिन माई डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स तो दोनों सही हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट के तहत बनती है तो क्या वो उसका राइट right होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंडिंग देगी ऐसे तो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं लेकिन क्या जरूरी है कि उन सबको फंडिंग मिलती रहेगी गवर्नमेंट के थ्रू तो स्टेटमेंट्स तो दोनों सही है एजर्शन एज स्टेटमेंट इज करेक्ट रीजन एज स्टेटमेंट इज करेक्ट बट जस्ट बिकॉज ये स्टैचूट के तहत बना है तो स्टैच्यूट के तहत, तहत तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं सो दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन कि इसको जो फंडिंग मिलती है ठीक है इसको फंडिंग इसलिए मिलती है क्योंकि ये हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है सेंट्रल बॉडी इंडिया की और इसको सिर्फ और सिर्फ सेंटर से ही फंडिंग मिल सकती है ताकि ये ताकिबर्स कर सके बाकी यूनिवर्सिटीज को बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दैट इज द रीजन ठीक है इंडिया की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन अथॉरिटी बॉडी है ये लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर अगेन डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर को बहुत ज्यादा हम यू uh, नो you know, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट बुकमैन मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है सिंपल तरीके से तो ये कह रहा है कौन सा है। डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनोमी क्या होता है कि आपने एक learner को सक्षम बनाया है कि वो अपने आप autonomous learning जो है 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 वो वो कर सके। एक model है. इसके अंदर क्या-क्या चीजों को consider किया जाता है, वो मैं आपको एक स्लाइड में अच्छे से बताऊंगी। तो dynamic model, accounts for schema, mental hygiene, culture, नहीं ऐसा नहीं होता है ऐसा लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में होता है द डायनेॉडलॉग्नेटिव बिल्कुल सही एक्शन ओरिएंटेड साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन्स बिल्कुल सही द डायनामिक मॉडल अकाउंट्स फॉर इरिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं इट्स ड्राइव फॉर सुप्रियोरिटी बिल्कुल नहीं तो जिनको नहीं भी आता था डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी वो कर सकते थे लेकिन हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे ठीक है ये जो डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी है ना ये फोकस करता है कि एक बच्चा अपना कॉग्निशन यूज कर सके उसका एक कॉग्निशन है उसका इंटेलेक्ट है उसको कैसे उसको यूज करना है यानी उसको कैसे मॉनिटर करना है राइट right, कैसे रेगुलेट करना है कैसे एक्सपीरियंसेस को गैदर करके इवेलुएट करना है कैसे उसके साइकोमोटर डोमेन जो है वो इन्वॉल्व होगा कैसे उसका इमोशन यानी अफेक्टिव कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व हो गए तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्टर्स बताए गए हैं ठीक है डिस्क्रिप्टर्स बताए गए हैं बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर्स अगेन ये रेफरेंस लिया गया है जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जैसे मैनेजिंग ओन लर्निंग इसके अंदर बच्चा प्लानिंग कैसे करता है ये सब के सब चीजें आप देख सकते हो एक दूसरे से रिलेटेड है कैसे वो प्लान करता है अपना यू नो लर्निंग कैसे स्ट्रक्चरिंग कर पाता है वो अपने नॉलेज की कैसे मॉनिटरिंग करता है कैसे इवालुएट करता है कैसे मोटिवेट करता है कैसे अपनी फीलिंग्स के साथ वो सब इन्वॉल्व रखता है तो आप देख रहे हो ये जितने भी एक्शंस हैं ये सब क्या है एक्शंस हैं तभी इसको हम डायनामिक बोलते हैं बिकॉज दिस इज इन प्रोसेस एक्शन इन प्रोसेस है और ये सब के सब किससे रिलेटेड हैं ये जो हमने कॉम्पोनेट हम बात कर रहे हैं कॉग्नेटिव मेटाकॉग्नेटिव एक्शन ओरिएंटेड अफेक्टिव कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बस इसके अंदर ये बताया गया है कि कनेक्टिंग है प्लानिंग है इमोशनल मैनेजमेंट है मोटिवेटिंग है ये सब का सब आपका ये डोमेन्स जो है वो हैंडल करते हैं ठीक है थीके? बाकी इसको डिटेल क्लास में करेंगे कोर्स क्लास में चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ंग स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ टीचर नॉलेज डेवेलपलमैन आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था क्या पेडागोजिकल कॉन्टेंट नॉलेज इसको हमने दिया था शूलमैन ने दिया था राइट right? ये होती है पेडागोजी ये होता है कॉन्टेंट और एक टीचर को क्या चाहिए इसके बीच का यानी कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज उसे पता होना चाहिए क्या कंटेंट उसको पढ़ाना है उसको ये पता होना चाहिए कि जो कंटेंट पढ़ाना है उसके साथ उसको कौन से मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो अप्लाई करने हैं ठीक है थीके? तो ये कह रहे हैं कि इसमें से क्या क्या इन्वॉल्व होगा नॉलेज ऑफ लर्निंग कंटेंट नॉलेज या करिकुलर नॉलेज सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ लर्निंग तो नहीं होगा कॉन्टेंट है ठीक है करिकुलर नॉलेज क्या होगी करिकुलर नॉलेज सिंपल स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है कि क्या आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और उसको किस मेथड से पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे करिकुलर को आप कंटेंट के साथ मैच कर सकते हो आप इसको मेथड ऑफ टीचिंग के साथ भी कर सकते हो मतलब ये दोनों तो है ही है ठीक है नॉलेज ऑफ लर्निंग नॉलेज ऑफ लर्निंग जो है वो एपिस्ट्रोमोलॉजिकल रिलेटेड हो जाएगा तो ये इसका पार्ट नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो सही आंसर होगा ठीक है ये लीजिए ये आप पढ़ सकते हो इसके साथ साथ ना सेवन और नॉलेज बेस दिए थे शुलमैन ने को जिसके अंदर कॉन्टेंट नॉलेज जनरल पेडागोजिकल नॉलेज करिकुलम नॉलेज पेडागोजिकल कॉन्टेंट नॉलेज तो देखा आपने कारिकुलर नॉलेज आया यहां पे ठीक है पेडागोजिकल कॉन्टेंट नॉलेज जो कि मेन आता है इन सबको मर्ज करके नॉलेज अबाउट लर्नर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लर्नर साइकोलॉजी के बारे में जानना नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार से आपकी जो टीचिंग है वो बच्चा जो है रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में लगा पाएगा नॉलेज ऑफ एजुकेशनल एंड्स एंड एंड वैल्यूज यानी कि लर्निंग आउटकम्स क्या चाहते हो क्या एम किस प्रकार से आप अचीव करना चाहते थे क्या वो हुआ या नहीं हुआ ठीक है चलो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल टू केटर द इमीडिएट नीड्स ऑफ द टीचर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इमीडिएट नीड्स ऑफ द टीचर्स यहाँ पे कोई प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लिखा है तो यहाँ पे आंसर होगा डायट्स अब ये डायट्स जो है वो क्या है डायट्स हर डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेशनल बॉडी है ठीक है जो वहां के स्पेशली टीचर्स वहां की एलिमेंट्री एजुकेशन का जो है ध्यान करता है उसको मैनेज करता है इसकी ना थोड़ा जो आ, जो हायर मैं बता देती हूँ कि एस किसके अंडर आता है कि, किसको रिपोर्ट करता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये जो एन सी आर टी है क्या करता है ये पूरे के पूरे कंट्री को रेगुलेट करता है अब पूरे के पूरे कंट्री के अंदर इतनी डेमोग्राफी है ईस्ट है यू you नो know, वेस्ट है आप कैसे वेस्ट इंडिया है साउथ इंडिया है सबके जो आप कह सकते हो तो डेमोग्राफी अलग है सबके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग है मान्यताएं अलग है तो डेफिनेटली एक जैसा करिकुलम तो हम थोप नहीं सकते राइट right? स्टेट को थोड़ी ऑटोनोमी दी जाती है कि भैया कोर करिकुलम तो ये होगा बाकी आप चीजें जो है मैनेज कर लो मॉनिटर कर लो अपने हिसाब से आप कर सकते हो करिकुलम को फ्रेम कर सकते हो बस कोर सेम रहना चाहिए तो एस जो है और स्टेट लेवल पे देखता है ठीक है हर स्टेट का अपना एक एस है और हर हर एस सी आर टी के नीचे होती हैं बहुत ज्यादा डायट्स यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है एक स्टेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट को डायट डिस्ट्रिक जो है वो क्या करेगा चेक करेगा तो यहां पे हाइर क्या होगी कि डाइट किसको रिपोर्ट करेगा एस को यह भी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में डाइट की इमीडिएट रिपोर्टिंग कौन होती है एस को करता है एस सी इमीडिएट रिपोर्टिंग करती है एनसीआरटी को ठीक है तो यहाँ पे आंसर आ गया डाइट्स ठीक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब एक आपको एक और चीज बताती हूं मैं वो ये कि एस और जो डाइट्स हैं वो किसके कहने के ऊपर बने थे वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की जो पॉलिसी थी उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बने थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते विच कमेटी प्रपोज डेट एनसी शुड सेटअप एन आई पी आर टीई यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च इन टीचर ट्रेनिंग कौन सी कमेटी ने जो है यह प्रपोज किया था कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनना चाहिए जो कि पॉलिसी एंड रिसर्च का ध्यान रख सके टीचर एजुकेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है मेहता कमेटी यशपाल कमेटी जस्टिस वर्मा कमेटी या फिर ताराचंद कमेटी और मैं इन सभी कमेटीज के बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगी भी ठीक है तो इसका क्लियर आंसर है जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 में आई थी बहुत कम आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगी गूगल पे भी क्योंकि जस्टिस वर्मा कमेटी सेम ईयर में ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर बनी थी तो जस्टिस वर्मा कमेटी अभी इकलौती टी ओनली कमेटी टिल नाउ ओनली कमेटी टिल नाउ ऑन टीचर एजुकेशन तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन uh, जो है काफी आता है कभी इसका टैगलाइन पूछ लेते हैं कभी इसका ईयर पूछ लेते हैं और कभी ये पूछ लिया जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च ट्रेनिंग किसने दिया जस्टिस वर्मा कमेटी अभी तक की इकलौती कमेटी जो कि सिर्फ टीचर एजुकेशन को कैटर करती है मेहता कमेटी क्या है यशपाल कमेटी क्या है ताराचंद कमेटी क्या है ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ जस्टिस वर्मा कमेटी आपको बता दिया है मैंने ठीक है कौन से साल में आई दो में अब मेहता कमेटी क्या है ये पंचायती राज को आ, क्या आ, उसके अंदर कंसिडरेशन होनी चाहिए पंचायती राज के ऊपर इसमें फोकस किया गया था ताराचंद कमेटी 1948 में आई थी इन्होंने जो है मल्टी uh, जैसे मल्टीपर्पज उसके बोला फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 14 टू 17 ये इंट्रोड्यूस होने चाहिए जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपर्पज स्कूल्स जो है वो होने चाहिए अपग्रेडिंग स्कूल्स फ्रॉम हायर टू हायर सेकेंडरी होना चाहिए और उन स्कूल्स के अंदर Uh, सही मात्रा के अंदर टीचर्स भी जो है वो होने चाहिए ये ताराचंद कमेटी 1948 में इन्होंने रेकमेंड किया था अब स्टूडेंट्स यशपाल कमेटी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेहता कमेटी के ऊपर ताराचंद कमेटी के ऊपर आज तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है लास्ट फाइव ईयरस में पेपर टू के अंदर हवेवर यशपाल कमेटी के ऊपर बहुत पूछा जा चुका है और स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं आपको ये जानना है कि जो यशपाल कमेटी है वो दो बारी आई थी ठीक है एक बारी आई थी स्कूल एजुकेशन के ऊपर ओके 1993 में आई थी ये और एक बारायर एजुकेशन में दो हायर एजुकेशन में 2009 में अब इसका टैगलाइन था टू एडवाइज ऑन रेनोवेशन एंड ऑफ हायर हायर एजुकेशन एजुकेशन में क्या नए नॉर्म्स लाने हैं कैसे चेंजेस लाने हैं ये इसके अंदर सजेशन दी गई थी और जो स्कूल एजुकेशन वाली कमेटी थी उसका टैगलाइन था लर्निंग विदाउट बर्डन बहुत बारी मल्टीपल टाइम्स जो है वो पूछी जा चुकी है इनके इर्स भी और इनकी टैगलाइन भी विदाउट बर्डन इसका और इसका टू एडवाइज ऑन रेनोवेशन एंड रिज्यूबिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन टू क्वेश्चन और अभी क्वेश्चन आ गया तो यह भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है आई थिंक दो हजार बाईस में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या टाइटल है एग्जैक्टली जस्टिस वर्मा कमिशन रिपोर्ट का और वो क्या है विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया क्वालिटी एंड रेगुलेटरी रेगुलेट्री तो ऐसे क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है ठीक है ये आप देख सकते हो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2012 ने जस्टिस वर्मा कमेटी जो है वो बनाई जिसका टाइटल ये था किसके ऊपर फोकस किया गया क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इन सर्विस टीचर एजुकेशन टीचर की परफॉर्मेंस टीचर का ऑडिट और कैसे स्ट्रेंथन करना है एनसीएफटी को लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Below are given a few programs for enhancing teacher quality. Which of these specially related to? Which of these is specially related to in-service teacher education? Select the correct code to indicate your answer. to ye keh rahe hain कि in-service teacher education के लिए आपको इनमें से कौन से programs जो है वो include करने हैं। तो आप इसको देखिए करिए। इंडक्शन ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट पेडागोजी कोर्सेज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, फाउंडेशन कोर्सेज माइक्रो सिमुलेशन और आपको सिलेक्ट कितने करने हैं तीन यानी कि आपको दो को इलेमिनेट करना है तो करिए करेक्ट कोड क्या होगा इंडक्शन ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट पेडागोजी कोर्सेज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन या फिर माइक्रो सिमुलेशन फॉर पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपने क्या करना है इनहस करना है टीचर की क्वालिटी को तो आप क्या करोगे इंडक्शन ट्रेनिंग करोगे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करोगे पेडागोजी कोर्सेज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन स्टूडेंट्स यहां पे ना बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है इनहस करना है टीचर की क्वालिटी को तो जब भी आप टीचर क्वालिटी को इनहस की बात करते हो तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए हैंड ट्रेनिंग ठीक है तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंडक्शन ट्रेनिंग क्योंकि आप इन आ गए हो ठीक है उसके बाद आ गया आपका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका माइक्रो सिमुलेशन फॉर पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज यानी कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए वेर एज ये दोनों सी और डी क्या है ये थ्योरेटिकल के ऊपर ज्यादा फोकस जो है वो करते हैं तो यूजीसी ने जो आंसर इसका दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर बी

the schools are lacking in inadequate ict support teachers commitment to teaching profession is doubtful the modern society is averse to the teacher status or there is little or no scope for capacity building for teachers ye aap se puch rahe hain कौन से कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं टीचर डेवलपमेंट इन इंडिया को तो टीचर्स अबिलिटी लेवल इज लो यानी कि आप क्लियरली उनको क्या बोल रहे हो कि तुम्हारा लेवल ही लो है तो जहां पे ऑप्शन नंबर ए है उसको काट दो राइट right? उसके बाद कह रहे टीचर्स लैक सेंस ऑफ ओनरशिप विद स्कूल देर आर सर्टेन टीचर्स हु मे बट यू कांट डिफाइन की सभी के सभी टीचर्स जो है वो ओनरशिप अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड ओके द स्कूल्स आर लैकिंग इन एडिक्वेट आईसीटी सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये आईसीटी सपोर्ट अभी भी कितने यूरो you know, प्रॉपर नहीं है ठीक है तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि डेफिनेटली टीचर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी अगर आपके पास प्रॉपर आईसीटी सपोर्ट नहीं है इन सर्विस ट्रेनिंग कैसे करोगे आपको आईसीटी इनेबल करना पड़ेगा तभी टीचर्स जो है अपनी नॉलेज जो है वो एनहांस कर पाएंगे उसके बाद आ गया टीचर्स कमिटमेंट टू टीचिंग प्रोफेशन इज डाउटफुल अगेन आप सभी के सभी स्टूडेंट्स को बॉक्स कर रहे हो कि भाई हमें तो डाउट जो है वो है आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट पे अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट मॉडर्न सोसाइटी इज वर्स टू टीचर्स स्टेटस सही नहीं है क्या हा आपको नहीं लगता कि ये आंसर जो है वो सही होगा अभी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग होते हैं टीचिंग प्रोफेशन जैसे मैंने आपको बोला कि सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन 2014 में ही टीचर को एक एक्चुअल प्रोफेशन जो है वो घोषित किया गया था एंड दैट इज द रीजन वाई बी एड कोर्सिस फॉर टू ईयर्स एम एड ऑल्सो राइट एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट में इसको प्रोफेशन माना गया था ये फैक्ट है डैट अनफॉर्चुनेटली टीचर्स जो कि uh, महान ब्यूरोक्रेट्स को भी बनाते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को भी उन्होंने टीच किया होता है नर्चर किया होता है लाइक अ पेरेंट स्टिल इस प्रोफेशन को इतना ज्यादा पॉजिटिवली नहीं uh, देखा जाता एंड दैट इज द रीजन वाई देर आर सो मेनी पीपल हु इंस्पाइट ऑफ हैविंग द एप्टीट्यूड डू नॉट जॉइन दिस प्रोफेशन बिकॉज दे आर नॉट लुकड अप टू एज हाई एज ब्यूरोक्रैट्स और इवन डॉक्टर्स है ना फॉर सिक तो ये कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जो है वो करता है देर इज लिटल स्कोप फॉर कपैसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स यानी कि अगेन देर आर नॉट प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो मीट नहीं कर पाता इंस्टीट्यूशन प्रॉपर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो नहीं करवा पाता तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज स्कूल आर लैकिंग एडिकुएट आईसीटी सपोर्ट ये होगा द मॉडर्न सोसाइटी एवर्स टू टीचर स्टेटस ये होगा और देर इज लिटल स्कोप फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन इफ अ टीचर इज टू बी इवेलुएटेड फॉर हिज और हर टीचिंग बाय द लर्नर्स तो विथ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर्स शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास अगर आपको एक टीचर को इवेलुएट करना है उनके टीचिंग कैपेसिटी या टीचिंग स्किल के ऊपर और आपको फीडबैक लेना है या उसकी इवेलुएशन लेनी है उनके स्टूडेंट से तो कौन से प्रकार के स्टूडेंट से आप टीचर के बारे में पता करोगे या इवेलुएट करवाओगे दोज हैव ड्रॉपड आउट जिन्होंने क्लास ही छोड़ दी दोज आर गुड अचीवर्स एंड रेगुलर इन द क्लास दोज आर गुड अचीवर्स बट क्लास नहीं लगाते हैं ज्यादा द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर टीचर की पर्सनैलिटी देख के उसको जज करते हैं तो so, बात है वो बच्चे जो रेगुलरली क्लास लगाते हैं वही टीचर की एग्जैक्ट इवेलुएशन जो है वो दे सकते हैं आई होप दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू सो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि आज हमने क्या क्या किया है हमने नई शिक्षा नीति को भी रिवाइज कर लिया ठीक है हमने कितने ज्यादा जो मॉडल्स हैं इसको कितने अच्छे से रिवाइज किया है हमने टीचर एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को भी उनके मॉडल्स को भी रिवाइज कर लिया है ठीक है हमने टीचर एजुकेशन बॉडीज टीचर एजुकेशन रिलेटेड बॉडीज जैसे कि आपके एनसीटी हो गया ठीक है एन सी टी ई एन सी आर टी नेपा एस सी आर टी डाइट्स, राइट right? इसके साथ साथ पॉलिसीज कौन कौन सी पॉलिसीज रही हैं? एजुकेशन पॉलिसीज ठीक है करिकुलम फ्रेमवर्क्स, करिकुलम फ्रेमवर्क्स हमने किए हैं स्कूल एजुकेशन के भी और हायर एजुकेशन के भी ठीक है सो आई होप दीज क्वेश्चन सेम टाइम नेवर टू फॉरगेट आपने नए कॉन्सेप्ट भी तो किए न्यू कॉन्सेप्ट लाइक हैंडल वाला मॉडल हैंड ऑल एंड लॉवर्स वाला मॉडल राइट सो आई होप आपने इंजॉय किया इस क्लास को एंड टेक केयर Uh, जल्दी से ही लाइव क्लासेस शुरू होंगी लाइव इंटरेक्शन होगी नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम लाइव ही मिलेंगे एंड दैट विल बी मोर इंटरेक्टिव टेक केयर स्टूडेंट्स रिवाइज करते रहो दिवाली की छुट्टियां हैं उनको इन्जॉय करना अपना ध्यान रखना इंश्योर डेट यू नो यू डोंट फॉल सिक सो ईट केयरफुली स्लीप वेल एंड कीप स्टडिंग रिमेंबर दिवाली विल uh, दिवाली को इंजॉय करना बट एट द सेम टाइम रिमेंबर दिवाली विल डेफिनेटली कम द ने नेक्स्ट ईयर बट द टाइम गॉन